राधे राधे, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का बेहद खास अवसर है और पूरे देश में आज इस त्योहार को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप का घड़ा भरता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, और ठीक उसी तरह श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया ताकि वह अपनी प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करा सके और धर्म की स्थापना कर सके। श्री कृष्ण की जितनी कहानियां सुने या समझे वो उतनी ही कम है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। कृष्ण नंदलाल, माखन चोर, श्याम, मुरलीधर, लड्डू गोपाल और न जाने कितने नामों से हम उन्हें जानते हैं, और उनका हर नाम उनकी किसी न किसी लीला को दर्शाता है। भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक अनेक लीलाएं की, और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान धरती पर धर्म की स्थापना भी की। अब अगर बात करें श्री कृष्ण के जन्म की, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण राजा कंस का अत्याचार झेल रही उनकी बहन देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे, जिनको भविष्यवाणी के कारण कंस ने कारागार में कैद कर दिया था। कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कंस से बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव ने श्री कृष्ण को नंदलाल और यशोदा को सौंप दिया, जिसके कारण उनका पालन पोषण माता यशोदा द्वारा गोकुल में किया गया। इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भारत में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक ये त्यौहार मनाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, जिसके कारण हर साल जन्माष्टमी की पूजा अर्चना मध्य रात्रि में की जाती है। भक्त आज के दिन व्रत रखते हैं तथा अपने घरों में रखी गई श्री कृष्ण की प्रतिमा का जन्म कराते हैं। इसके बाद उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार कर झूला झुलाया जाता है तथा दही मिश्री का भोग भी लगाया जाता है, और भजन कीर्तन के साथ बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा से जन्माष्टमी मनाई जाती है। मंदिरों को भी बेहद भव्य तरीके से सजाया जाता है। कुछ क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी का भी उत्सव मनाया जाता है, और कुछ स्थानों पर फूलों की होली भी खेली जाती है। इसी के साथ कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में रासलीला का आयोजन भी किया जाता है। जन्माष्टमी केवल भारत में ही नहीं बल्कि और भी अन्य देशों में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाई जाती है, जिसमें लोग श्री कृष्ण की झांकियां निकालते हैं तथा भजन कीर्तन भी करते हैं। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार और अनोखी है, इसी कारण पूरे भारत में जन्माष्टमी का त्योहार बेहद जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।